नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में प्री मानसून के बीच लू का दौर फिर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। मौसम केंद्र ने प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट के साथ हीट वेव, लू, मेघ गर्जन, बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। आपको बता दें कि जयपुर संभाग में कहीं कहीं हीट वेव लू दर्ज की गई। राजस्थान में रात के समय हीट वेव लू चलती देखी जा रही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के कुछ संभागों में बीती रात कहीं कहीं पर लू दर्ज की गई। 24 घंटों में राजस्थान का सबसे ज्यादा तापमान संगरिया हनुमानगढ़ में 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अटरू 12 में सर्वाधिक बारिश 26 mm दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम तापमान अलवर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने मानसून को लेकर बताया कि आगामी 2 से 3 दिन में उड़ीसा, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 24 जून से मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 24 जून से राजस्थान में प्री मानसून की संभावना बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग में 42 से 44 डिग्री होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से रात के समय हीट वेव लू चलने की संभावना है। सीकर के फतेहपुर में तेज धूप व गर्मी का असर जारी है। उमस भरी गर्मी से आमजन का बेहाल है। यहां के लोगों को कूलर पंखे से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सीकर में पारा 2.5 डिग्री बढ़त के साथ देखा गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने के फैसले के विरोध में अब बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को रोजगार युवा संघर्ष समिति के बैनर तले बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। बेरोजगार युवा भगवान महावीर पार्क में एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन कर युवाओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा महिलाओं को 30% आरक्षण से बढ़कर 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षित करना युवाओं के साथ कठोराघात है। सरकार को अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदारी देना है तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज चुनाव से लेकर सरकारी भर्ती में बराबर की हिस्सेदारी का फैसला करना चाहिए। सरकार ने अभी शिक्षक भर्ती व पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया है। पहले भी महिलाओं को 30% आरक्षण भर्ती में प्राप्त है, उसमें भी महिलाओं की सीट में रिक्त स्थान रह जाते हैं। युवाओं ने कहा कि शेष 50% में भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट्स व जनरल महिलाओं के बाद तैयारी करने वाले युवाओं की सरकारी नौकरी में ना के बराबर भागीदारी होगी। ऐसे में हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। भजनलाल सरकार ने समय रहते फैसला वापस नहीं लिया तो पंचायती राज चुनाव में युवा इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भविष्य को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। बिरला की अगली राजनीतिक भूमिका क्या होगी, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे या उन्हें पार्टी संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। इसी बीच बिरला को राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बारे में अपनी अपनी राय देने में व्यस्त है। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान बिरला को दिल्ली से जयपुर भेज सकता है। ओम बिरला की राजनीतिक भविष्य को लेकर कई अटकेलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि क्या बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरी पारी शुरू करेंगे या उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। हाल ही में बिरला के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से सियासी माहौल गर्मा दिया है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक विश्लेषण कई प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें संगठन में किसी पद पर नियुक्त करने की योजना बना रही है। बिरला से अमित शाह और नड्डा की मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस समय मुलाकात में शाह और नड्डा ने बिरला को मनाने का प्रयास किया है। बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने में कई बाधाएं हैं। इस बार बीजेपी को एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ती है, जिससे सहयोगी दलों को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती है। चर्चा है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए टीडीपी दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी यह पद अपने पास रखना चाहती है और डिप्टी स्पीकर का पद गठबंधन के दलों को देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद अपने पास रखती है तो उसे ऐसा उम्मीदवार चुनना होगा जिसे एनडीए के लिए सभी सहयोगी दल स्वीकार कर सके। इस परिदृश्य में बिरला के लिए यह राह काफी कठिन दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार बिरला को दिल्ली से जयपुर भेजा जा सकता है, यानी पार्टी हाईकमान उन्हें राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद यह सियासी चर्चा है कि प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव होगा। इस चर्चा के आधार पर माना जा रहा है कि बीजेपी बिरला को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी कर रही है। ओम बिरला देश की राजनीति में पहले ऐसे नेता है जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए दूसरी बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। 1999 के बाद ही अब तक जो लोकसभा अध्यक्ष बना है वह दोबारा
चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंच पाया है। इस प्रकार यह अनूठा रिकॉर्ड अब ओम बिरला के नाम दर्ज है। उन्होंने कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 41,974 वोटों से हराया। इस दौरान बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को टक्कर देने के लिए ओम बिरला को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। साथियों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।